मेरिया पिंडे दिया बहना तो उसकी वो मैंनू मेरा खर्चा दे दिया। पहले 300 रुपया महीने नाल मैं गुजारा करता रहा, फिर 600 रुपया महीना, फिर 1000-1200 रुपया महीना। डेरे का मैं एक लस्सी का एडा गिलास दुध का नहीं पीता, किथे भी रवा दुध अपना मुल लिया। उस मैं मन च ये फैसला कर रहा सी, घरों छड़िया, मां छड़े, बाप छड़े, उन्होंने बिचदिया छड़े खाण वास्ते। मैंने भी बच्चे प्यारे लगते थे, नहीं अमर रहना तो सतगुर के नाम में रहना। औलादा ने नहीं सानू अमर करना, औलादा ने तो साडा बेड़ा गर्क करना है। कोई बागा वाले की लैक औलाद होंगी है, एक सतगुर बाजो कोई नहीं। हाँ जी, साडे शरीर के अंदर एक आत्मा ऐसी चीज है, वो कभी मरती नहीं, कभी सड़ती नहीं, कभी खत्म नहीं। वो क्यों? कि आत्मा शरीर मरेगा ना, आत्मा नहीं मरती, वो मर तो पहले ही निकल जाती है। भी इन हूं मारनगे, सड़नगे, इन हूं कटनगे। वो एक मर्ग की अंश है, संत उसका तुम चेता करा के तो तुम उस मालक नाल मिलो, नहीं तो कितनी फेरी सड़ोगे, कितनी फेरी मरोंगे, लख चौरासिया तो सड़ते मरते ही रहोगे, उगते रहोगे घा की तरह। कोई है अंत? सर सड़ के रच जाओगे, मर मर के रच जाओगे। लख चौरासी जून सवाही गुरु साहब कहते हैं, सारिया जूना चो लख चौरासी जून वड्डी जून, लख चौरासी जून सबाई सारिया जूना। मानस को प्रभदी वड्याई, जो नर इस पौड़ी से चुके आए जाए सदा तो पाए, जा नरका दिखांदा रे गोते पहले। तेन किने बचावना, तेन किने चुनावना तेन। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। राग सोरठी बाणी भगत रविदास जी की। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। देखो, जल की भीत पवन का थंबा, बीमार कर मरेगा साडा। इस मुकाम के कोई शकीर नहीं है, कोई गाडर नहीं, कोई शरीर नहीं है, कोई लेंटर नहीं। इतों हवा उठती है, इतने तक आती है, क्रॉस करती है, फिर लै जाती है हवा, फिर उठती है। सारिया आंदर नाड़िया साफ करती है, सारे शरीर जब यह हवा निकल जाएगी, इस बंगले के नौ दरवाजे बीच पवन का खंभा, आवत जावत कुछ न खेचे ही बड़ा अचंबा। ये तुम अचंबा है, मैंने भी अचंबा है, तुम्हें भी अचंबा है। ये दिशा भी नहीं चला जाएगा तो बस उस हवा जिस तरह जाते ना, उमें आत्मा निकलेगी, ये निकल जाएगी, शरीर ढह पाएगा। हाँ जी, जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। मां से खून का तो बने ना गारा, मिट्टी का पानी मिला के मिला। हाँ जी, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। इस पिंजरे दे विच ओ पंछी बस रहा है, ते तुसी काम क्रोध दी गुलामी कर रहे हो, जिन्हां ने सानू धोखा देना है। संत ए उपदेश देना है। हाँ जी, हाड मास नाड़ी को पिंजर,
पंखी बस बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। गुरु नानक साहब की कहानी हुक्म है अंदर सब कुछ बाहर, हुक्मना कोई नानक हुक्म जे पुजे तो हुमे कहे ना कोई। एदा भी अर्थ ये है, कहंदा की तेरा की मेरा, तेरा तो दो घड़ी विच जिस तरह दरख्त ते ना चिड़िया का बसेरा है उड़ जान, ये दरख्त है वो हुमे। गुरु नानक साहब कहते जिसने ये बात नु मन लिया मेरा कुछ भी नहीं हुमे कहे ना कोई। जिसने फकीर की बात को मन लिया कुछ भी नहीं इतने अपना, हुक्मे अंदर सब कुछ बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे पुजा तो होमे कहे ना कोई। जिसने हुक्म पूज लिया वो होमे का भी है, ये तो सारे हुक्म की ओरी रचना है, साढ़ा इतने की लेना देना। अस कैदी हाँ, कैदिया सतगुरु छुड़ाने वास्ते आया है। हाँ जी, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखू कंध उसारहूं नीवा। बोझर बैठे नहीं कहता चुप करके, मैं तो किन्ने दे आसारा करी करना, चुप करके बैठो, अपना भी मजा खुआ दूसरे का भी खो रही। राख कंध उसारहूं नीवा, साढ़े तीन हथ तेरी सीमा। बड़े बड़े हाथे मलदा है, बड़े बड़े किले खेत लेंदा है, बड़ा बड़ा बड़िया बड़िया डूंगिया नीवा रखता है, और जगह तो तेरी तीन हाथ है, ये घना लम्मा होगा तो पौने चार हो जाएगी, और की हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इन्नी को और बढ़ जाएगी बस। हाँ जी, राखूं कंध उसारहूं नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर टेढ़ी, एतन होए गो भस्म की ढेरी। चमक चमक लाए सज लै तू जिन्ना सजना, मिट्टी दिया बांडिया खीर भजना, कोई तेनु आखे चंद ते कोई कहे मखना, आ गया पैगाम मौत वाला सजना, कोई आके तेनू नैना विच साम साम रखना, आ गया पवन पैगाम मौत वाला। सिर तेरी चेटी भगत किस कम जाएगी, तू पिछली हालत में देख आने वाली। साड़ी बुआ इतने है नंदो, मैं बचपन सारा जानता, देखो हूँ साडा मामा जी वो बैठे पे ने, जे टाइम हुणी तो याद रखिएगा। ए दाता मेरे पता नहीं की होएगा, मैं दावे नाल कहना भजन च मैं बहुत होशियार, कोई पंद्रह बारी मैं भज के नहमद को तो सच्चे सौदे गया, हूँ इन पौड़ियां नहीं करया जाता। ये बचपन, इस बचपन में खड़ा करी बच्ची निकलना, एदा बचपन असी 20-40 साल तक रख सकेंगे, मैं यदि जवानी रख लाँगे, यदि ताकत रख लाँगे, यदा बुढ़ापा रख लाँगे, यदी जिंदगी रख लाँगे। और जब कोई चीज रहने वाली नहीं तेरे को रखने वाली, तू चौड़ा कहते हो सोच है। मैं कई बार बुढ़िया कहना होना, तू मां का दुध पीता, मां की गोदी च रहा, वो लाड प्यार देखा, छोटे छोटे भैन भाइयों का लाड प्यार देखा, गली के मल्या देखा, तू बच्चों देखा, फिर सगाई होगी औरत व्याह लिया औरत का प्यार देखा, पोतरे पोतरे दोतरे हो गए उन्हों का प्यार देखा, फुड़की देखेगा भाई कबर,
हूं की रहेगा देखने वाला, दस मैं कबर लख लाना था बैठो तेरे जमीन की देखना उस प्यारे मालिक की भक्ति कर। ए नहीं कहते संत छद नहीं, छद नहीं, गिरिस्त आश्रम है सारे तो वड्डा आश्रम समझता, जे गिरिस्त आश्रम ना होते तो मालिक के प्यारे किसो कह दो, गुरु नानक सिंह साहब नहीं हुए, जितने गुरु नहीं हुए, कबीर साहब या होर जितने संत नहीं हुए, गिरिस्ती गिरिस्त विच निकले ने। इसनू सोचो गिरिस्त आश्रम बहुत वड्डा, ऋषिया मुनिया संतां गुरुआं तो भी वड्डा, इहदे विचों कोई चीज पैदा करो, कोई मालिक का प्यारा होए पैदा। बंके बाल पाग सिर टेढ़ी, ए तन होए गो भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। सारा कुए तो सार के चला गया, मेरी जात कम ओ बोलो संत मिले मंजल सारे को। सारे नूं पकड़ लिया उसनूं अपनी मंजिल मिली। वो इस तरह है कि जिस तरह किसी अनजाण आदमी नूं लाल मिल गया उन्हें पोचे के घर बन दिता और समझ पा रहे पारखू ने उसकी बहुत कीमत उठाई उस लाल की। जिसनूं मालक दे मिलन दा दर्द है विछोड़ा है वो संता की बात नूं मन के जिस तरह पारस एक वट्टी हुंदी है छोटे मोटे बच्चे नूं ना पता होए दे ना होए पर वड्डियां नूं तो पता है, वो लोहे नाल लग के सोना पता। फिर एक जगह ते कबीर कहंदे ने संतां दा तो होर भी बहुत वड्डा कथा बोलदे ने, कहता संत और पारस का इंतरा अंतरा जान, इतनी दूरी समझ है, संत और पारस का इतना अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत कर ले आप समान, वो पारस नालों कितनी कीमत वड्डी है उसकी संत की, कितनी वड्डी कीमत है, उन्हें तो सोना ही बनाया, रूड़ी तो इन्ना सारा सोना चक लिया तो पारस की वट्टी नाल तो कितनी कीमत बन गई, और जेड़ा जीव संता नाल लग गया उसकी हदायत नूं मन लिया उसके सारे नूं मन गया तो संत ही बन गया। संत वो चीज है, वो तो तेनू पारस पारस तो उत्ते का खिताब देना आए ने, पर जिसनू लाल मिल जाए पारस की वट्टी मिल जाए जे खोते घर बनते तो की होया, जे जिसनू संतां दी संगत
संतां दी संगत मिल जाए, उहदे वचन मिल जाण और उस ते अमल ना करे ते फिर उहनां दे खोते वर्गी कदर कीती उहनां की कटिया गया। हां जी मिली मंजा समझ च आ जाए। तो एक सेठ सीगा, वो दिसौल च व्यापार करन वास्ते गया। उसके घर एक तोता रखा हुआ सी पिंजरा, तो बड़ी अच्छी अच्छी बोलियां बोलता सी। तो उहदे जे कोई उहनूं कोई कहे ना भी 10 लाख रुपया ले लै तो तोता वेच दे, तां वी नहीं सेठ वेचता सी। बहुत चंगी चंगी बोलियां बोलनियां, किसी नूं नाम लैके बुलाना, कथा सुनानियां, होर सुनाना। तो तोता जो जान लगा ना सेठ, कहिंदा सेठ जी मेरा एक संदेशा लैके जाओ। कहिंदा दस भाई तेरा संदेशा, क्यों नहीं लैके जाना मैं? उस देश विच साढ़े तोते बड़े रहिंदे ने, मेरे जाति भाई, ते उहनां नूं मैं मिलना चाहना। उहनां तों कोई तरकीब पुछ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਗੇ ਖੇਤ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋਤਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਾਤੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਰਵੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵਰਗਾ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਵੇਦ ਸਸਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੇ ਮਰੇ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਤੋਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਤੋਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਲੱਤ ਚੱਕੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਬਨੇਰੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁਟਕਲਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਬੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਅਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਕਾਈ ਮਹੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਪਾ ਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ।
मरिया होया सुनता नहीं जीवदे मनते नहीं। जीवदे ने ते मन्या नहीं और मरिया बेचारा सुनता नहीं। टाइम चला गया वो टप्पा खोते से कर लाल बनने वाला ही टप्पा चला गया। भाई जेड़ा ये सारा मन लेगा ओदा भला होएगा बाकी दा नहीं। हाँ जी बोलो। उस तो कर्महीन केड़ा होगा। इसे स्वामी जी कहते हैं एक बात श्लोक कहते हैं पानी में मीन प्यासी वो सुनिया गया क्योंकि पानी मीन के अंदर पेट नहीं वो पानी चला जाए वो वाछड़ा तो पीछे कढ़ती रहती है और बाहर कढ़ो तो पानी कढ़ने ना ना मिले उन्होंने सांस वो वाछड़ा तो पानी निकलता है ना इस तरह होता उन्होंने सांस पहले फर्क अंदर नहीं पानी जाता तो उन्होंने पानी खत्म होगा तो मर जाना उन्हें इस वास्ते उन्होंने क्या है मीन मच्छी पानी में मीन प्यासी बहुत सुन सुनिया आसी। ये किस वास्ते है जिन्होंने कोई संतान का संघ मिल गया उन्होंने संगत मिल गई और उन्होंने उन्होंने तो फायदा ना उठाया और अपना जीवन ना सुधारिया उस दे वर्गा है दुनिया च मूर्ख आदमी देखना कि सगल पदार्थ है जगमाही कर्महीन कुत्र प्राप्त ना कर्मा तो बगैर उन्होंने कितने पदार्थ मिले खाण की जुगति जन्म की मुक्ति सारे सुख दुनिया के पदार्थ सारे उसमें संतान की सेवा करके उसका गुरमुख बन के। हाँ जी वगे Yeah.
ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਪ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਵਾਲੇ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਲਪ ਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾ 'ਚ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਕੁੰਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਤਕੀਆ ਸਰਾਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਲੇ 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 ਇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉੱਠੀ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦੜਾਦੜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਪ ਵਰਖਸ਼ ਹੈ ਪਰਾਂ ਹੋਏ ਛਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਲਪ ਵਰਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਮਾਸੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੱਚੂ ਪੈਣਗੇ ਟੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਲਪ ਵਰਖਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸੋਚ ਲਓ ਜਰਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਨਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੂਏ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਣ ਦੇਣਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪ ਵਿਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇਸ ਕਲਪ ਵਿਕਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਇਸ ਕਲਪ ਵਿਕਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ ਪਰ ਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਬਨਾਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ
बोलेंगे, लोग जी बोलेंगे, एक मैं एक श्लोक आखिरी को भी सुनाऊंगा, वो कोई याद मिले ना मिले, वो रहे ना रहे, पर एक गल मेरी जरूर याद रख लें। कहते ने मात पिता तो बहुत मिले ले, लख चौरासी में किसे नींद चले जाऊंगे, उसे दिया पुत्र पति पत्नियां मिल जाएंगे। कुत्ते दे नहीं पति पत्नियां, कतूरे भैंसे दे नहीं, गाइया दे नहीं, ऊंट दे नहीं, इस तरह सानू भी मिल जाएंगे। मात पिता तो बहुत मिलेंगे, लख चौरासी माए मां ना जन्म और गुण की भक्ति ये मिलेगी। एक तो तुहाड़ा हथों जन्म गया, फिर मां नूं याद करना इहदे वास्ते तो सुख नहीं देते रहना। और जब आदमी का जन्म नहीं होगा तो भक्ति मां दी करेगा, सूर कर लेगा भक्ति, कुत्ता कर लेगा, भैंसा कर लेगा भक्ति। ये तो पहाड़ियां आदमी के जन्म नची है, ये जब जन्म चला गया तो रोंदा रही, फिर तेरे रोंदा रही, तेन कौन पूछता है। फरीदा किथे तेरे मापियो, जिन तू जम्यो जायो, तेरे पासो लद गए तू अजे ना पतीणियो। ए दिन तेन शर्म नहीं है कितने साढ़े तो बाप दादे मावा चाचिया नानिया कितने गई, नहीं रहते असी कहे रह जावे, उन्होंने साथ असी नहीं दिता तो साढ़ा साथ कौन देगा। एक सतगुर ने साथ देना, जे वो बेली है तो सब दुनिया बेली है, जे ओदी नजर पुठी पैगी तो सारी दुनिया ही पुठी। तू बेली तो सब जग बेली, अनबेली भी बेली। हाँ जी सुनाओ।
चक्कीरा जी मेले च कौन सुनदा ना जी तुसी ते तुहाडी ते जड़ी मेर है मैं हर वक्त इकला भी बह के इसे चीज नूं विचारदा भी मेरी उम्र विचों भी दो चार साल इधर लग जाना ते दुनिया दा सुधार हो जाएगा। धन धन सतगुरु। बाबा जी रोज सेठनी नूं कह जावे भाई मिर्चा नून घट पाया कर सब्जी च मेरे कालज नूं लूस जिहा लगदा है कोई होर ज्यादा पा देवे इस तरह रोज करदे इक दिन उस तों ज्यादा पै गईआं मर्चा ते ओह खाधा होया रोटी ते जाके उहने दुकान खोली ते राज कर दे ते दुकान खोली ते कमाई आ गई कहिंदी साडी कुड़की पावे ਜਾਦੇ ਪੀਛੇ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
तू दिलों बुला ले ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ
पर मेरा परिवार मेरे नाल बहुत प्यार करता है, वो मेरे वेखे बिना रोटी नहीं खाते। संत बोले बेटा ये झूठा है प्यार, ये दुनिया का झूठा है, ये तो मोह माया के जाल च न, तू ये झूठा है। कहते नहीं बाबा जी, होर लोगों का मैं पता नहीं, पर जो मेरा परिवार है मैं वेखे बिना रोटी नहीं खाते। तो कहता जे तेरे मैं परिवार का प्यार दस दिया तो फिर कहता फिर तू मेरा तो मैं कू तेरा फिर मैं भगती करांगा। तो कहता मैं अठवें दिन तो एतवार को आवांगा, पहला तू कहता रही मेरा कालजा दुखदा है, फिर तू आखी मैं चक्कर आते ने, जो अठवें दिन बारह बजे मैं आऊंगा तो तू ग्यारह बजे चक्कर खा के बूहे च डिग पे, मैं तेरा परिवार का प्यार दसदा बी मर गया। ओनू संत ने जुगत दस दी बी दसवें दे विच श्वास बंद करके जे सैस चक्कर होंदा है फकीर को योगा अभ्यास करन दा, वो घरे आया आके कहता भी मैं ना थोड़ा थोड़ा चक्कर होंदा इस साल जब मैं मरना चाहवा। वो कहने आए मुंह च चंगी लफ्ज कढ़िया कर सी तेरी थां असी मर जाइए, ये ना करी गल। फिर दो चार दिन कहता जो एतवार आया तो चक्कर खा के बूहे च डिग पिया, रोन लग गया बाबा जी वहन की करन वे तेनू ना रब सदा मैनू सद लेंदा, सोनिया चाल वे तू छड़ गया बंगले, जे रोवे करवान ते वाजा मारन वे मैनू मैं तेरी थां ते मर जांदी। इन्हे नू गुरु आ गया कहिंदा रोना ही बच जाऊगा। वो सारे चुप हो गए, कहिंदा दुध दा छन्ना जाओ, दुध दा छन्ना लेके ओहदे च खंड पा ली, सत वारी ओहदे उत्तों दी वार के जड़ी जाजे रोंदी पी सी ओहदे वल कर दित्ता, कहिंदा लाए तू पी जा ये बच जाएगा तो तू मर जाएगी। चुप हो गई उठ गए तो फिर उन्हें आखे भी दस ये तेरा प्यार है। कमलिया की लेना किसे नाल करके प्यार, कमलिया की लेना किसे नाल करके प्यार, अगे प्यार सी सच्चा सुचा हुण प्यार खुच गई, खा पी के लत ऐसी मारे जैसी किसे दी मर्जी, अगे साथी लाउने किनारे अगे साथी लाउने किनारे, हुण डोबण विचकार कमलिया की लैणा किसे नाल करके प्यार, कमलिया इक रब दी बंदगी। लो मैं ये शब्द पूरा करके बाबा जी इक नवा शब्द वो मैं सुनावा जी चंगा लगे, ये मेरे घरों संगत है कि मैं अगे कह दी बी फिर भी सुना दी, एक आकार नहीं जिते थप दी।